बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फियाज अंसारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा, और इसके साथ साथ बनती मिनटों में इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ लिए हमने एक कप काले चने, तो इसको हमने पहले अच्छे तरीके से धो लेना है और इसका जो गंदा पानी वो हम निकाल लेंगे। और फिर हमने इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, ये जाएगा 1/2 टीस्पून। इसका फ़ायदा ये होगा ये चने जो है बहुत आसानी के साथ गल जाएंगे। और इसको हमने ओवरनाइट यानी कि पूरी रात भर रख देना है, या कम से कम इसे 5 घंटे के लिए हम भिगो कर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ पर 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं और चने जो है बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसका पानी निकाल लेंगे और उसको एक प्लेट में निकालेंगे चनों को, और अभी भी इनके ऊपर पानी है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास कपड़ा है या टिश्यू है जो भी है, उससे इन चनों को साफ़ करेंगे, इनके ऊपर जो पानी है वो ड्राई कर देंगे। क्योंकि अगर ऐसे चने हम ऑयल में डालेंगे तो ऑयल उछलेगा और वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो ये आपने एहतियात करनी है, चनों को पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए, चाहे पंखे के नीचे क्यों ना रखना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब हमने लिया है ऑयल कढ़ाई में और इसको हम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर गरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आधे चने इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे इस ऑयल के अंदर। दोस्तों चैनल पर नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और कोई भी अच्छा सा कमेंट करना जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो इसको हम साथ साथ थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखिए, इसको हमने पका लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो अब हमने इनको निकाल लेना है बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। जैसे उबले हुए आलू का टेस्ट और होता है और फ्राई किए हुए आलू का टेस्ट और होता है, इसी तरह इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, एक छोटे साइज का टमाटर जाएगा इसमें, और प्याज जाएंगे इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, सब्ज़ धनिया जाएगा इसमें 4 टेबलस्पून, और खुशबू के लिए हमारे पास है पुदीना, इसके जाएंगे 5 से 6 पत्ते बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए। अगर आपके पास है तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें चाट मसाला। और अब बारी है लेमन की, एक लेमन जाएगा इसमें, इसको हम निचोड़ देंगे इसके ऊपर, जो इसको बहुत ही चटखारेदार बना देगा। दोस्तों आपने उबले काले चनों की चाट खाई होगी, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। तो इस तरह अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। तो इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक चना चाट की रेसिपी बनकर तैयार है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।